भैया आज क्या बनेगा हमारी किचन में, देख लीजिए खुद ब खुद ब्लैकबोर्ड। सोया कीमा पाव, स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, टकाटक एंड चकाचक। और हमारी ये जो रेसिपी है सोया कीमा की, ये बिल्कुल हटके है। हटके इसलिए क्योंकि एक दो ऐसे पैंतरे हमने इसमें मारे हुए, जिसकी वजह से ये डिश इज सुपर। मतलब एक बार आपने खा लिया आपको इसकी लत लग जाएगी, और इससे बढ़िया नाश्ता कोई नहीं होगा। शुरू करते हैं सोया कीमा पाव। स्पेशल रेसिपी है जी, विद गारंटी आती है और वारंटी भी टेस्ट की। सबसे पहला स्टेप है पानी को हमें उबालना है, क्योंकि इस पानी में उबाला जाएगा ये सोया का कीमा, जिसे सोया का ग्रैनुल्स भी कहते हैं। तो स्ट्रेट जी ये जाएगा इसमें, और क्योंकि कीमा बिल्कुल कीमे की तरह है, थोड़ा सा चंकी करने के लिए जरा सा साबुत सोया भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। जैसा होता है ना जब कीमा खाते हैं मीट का, तो उसमें कीमा भी होता है थोड़े मीट के पीस, तो वही रिसेंबल करने के लिए। और 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से पक जाएगा। और अब जब ये पक ही रहा है तो फ़ायदा उठाते हैं किस चीज़ का, पानी का। नमक डालते हैं, पानी ये पिएगा फ्लेवर आएगा। इसी में थोड़ी सी अदरक, एक हरी मिर्च तोड़ के डाल दो। हम लेंगे ज़रा सी हल्दी, और ये हल्दी भी इसके अंदर ज़रा सी हल्दी, रंग बदलेगी थोड़ा सा, अच्छा टेस्ट देगी, बढ़िया बनाएगी सोया को। फैंटास्टिक जी, बढ़िया बॉयल, अच्छा रंग चढ़ गया इस पर। अब इसे छान लेना है। ये लग जाए, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट सोया का होगा जो उसकी हीक होगी वो यहाँ पर अलग हो गई। ये इस तरफ। और अब सोया को भूनने के लिए हम बनाएंगे मसाला। कढ़ाई ले ली मैंने, क्यों कह लीजिए वॉक ले लिया, वॉक WOK वाला वॉक, चलने वाला वॉक नहीं। उसमें गया जी थोड़ा जहा तेल और थोड़ा जहा मक्खन, ठीक है जी, बैलेंस में चलना चाहिए। इसी के अंदर थोड़ा सा जीरा, जल्दी नहीं करनी, जीरे को थोड़ा सा पकाइए, गर्मा गर्म तेल और मक्खन में जब जाएगा तो अच्छे से चटकेगा, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, ये देखिए जी अदरक है चॉप करी हुई, लहसुन, इसको चलाने के लिए हमें चाहिए करछी। और जैसे ही वो मिल जाएगी वैसे हम इसको चला देंगे। देखिए जी मिल गई ना, चल के ना गार्लिक को ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पकाना है, 1 मिनट तक पका लीजिए, बहुत है, लवली। और अब जी इसमें जाएगा प्याज, बारीक कटा हुआ है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सी में इसको प्यूरी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह वाह। और अब प्याज को पकाएंगे जब तक कि वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, कंप्लीट ब्राउन नहीं करना, सुर्ख होता है ना पिंक, वही सुर्ख करना है। ये देखिए प्याज है लाइट ब्राउन हो गया है, सुर्ख। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे जरा सा पानी, पानी इसलिए डाले ताकि ये शांत पड़ जाए। यूं शांत हो गया जी, अब इसमें जाएंगे मसाले। और देखिए इस रेसिपी के अंदर ना पूरा जो खेल मसालों का ही है, क्योंकि सोया का अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं, तो जो मसाले डालेंगे वही टेस्ट में वो रिल मिल जाएगा। हल्दी हो गई जी, ये चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, ये धनिया का पाउडर। और अब जी सबसे मेन पाउडर, ये है पाव भाजी का मसाला, ये मसाला इसके अंदर जान फूकेगा। इसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला, घुमा दीजिए, बढ़िया एक रंग आएगा इसका, सुपर्ब, फर्स्ट क्लास खुशबू। हल्का सा इसने जोर पकड़ा है ना, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ताजे टमाटर की प्यूरी। टमाटर लिए, छिलके बीज समेत मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस दिया, डाल दिया, हो गया। ज्यादा सोचना नहीं है इस रेसिपी में, फटाफट बनेगी। और अगर आपके पास घर पर पाव भाजी का मसाला नहीं है, छोले का मसाला होगा, चना मसाला, वो भी इसके अंदर बढ़िया रहता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। अब टमाटरों को हम पकाएंगे, और पकाते पकाते जी इसमें जाएगा नमक। अब इसमें मारने छिट्टे, इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाकर इसको हम पकाएंगे।
और ज़्यादा ही छींटे मारते तो ढक भी देंगे इसे। अब गैस को थोड़ा हल्का करेंगे और उस पर जाएगा ढक्कन। 3-4 मिनट तक अब इसे लो हीट पर पकने दीजिए। जब तक ये मसाला पक रहा है, हम लेंगे आलू। ये बॉइल्ड आलू है, इसे यूं मैश करना है, ग्रेट भी कर सकते हैं आप। अब ये जो आलू हम मैश करके इसमें डालेंगे, ये हमारा 15 नंबर 840 है, मतलब हमारा सीक्रेट स्टेप होगा क्या, आलू पूरी के पूरे इस मसाले को थिक करेगा और एक बढ़िया माउथ फील, जिसे कहते हैं ना लबाब, वो लेकर आएगा। और मसाले जो बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी होंगे उनको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। सोया के अंदर फ्लेवर नहीं होता, आलू और सोया जब मिलकर मसाले पिएंगे बढ़िया फ्लेवर देगा। तो जी ये हमारा पैंतरा, चलिए देखें जी क्या हाल है इसका। वेरी नाइस, देखिए पक पक कर इसका जो तेल है वो ऊपर को उभर गया, मसाला अच्छे से पक गया है। नाइस, वेरी नाइस। अब इसके अंदर जी जाएगा हमारा सोया, वेरी गुड। आँच तेज करके अब सोए की बुनाई होगी। ये देखिए कैसे सारा का सारा मसाला ये पी गया। अब अच्छे से भूनिए इसे 5 मिनट लगातार हाई हीट पर। नाइस, बढ़िया खुशबू आ रही है, गुड गुड। ये बनेगा बढ़िया नाश्ता। अब इस स्टेज पे जी हमारा बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो थोड़ा सा डालना है, वो डाला, मिला दीजिए इसे। और कुछ ऐसे मिलाइए कि पता ही ना चले कि इसके अंदर आलू है। यूं देख रहे हैं किस तरीके से मैश कर करके मैं डाल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आलू डाला है ये आपको पता है, मुझको पता है, खाने वाले को नहीं पता चलना चाहिए। ये है जी सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ स्ट्रीट फूड, जो बाजार वाला भाई करता है, हम घर में करते हैं नहीं बनता, ये वही है। यूं आलू भनेगा बढ़िया टेस्ट देगा। अब इस स्टेज पे इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, अगेन कैप्सिकम ऑप्शनल है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार एडजस्ट कर दीजिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी, वन नाइस टॉस, और जी अब इसमें जाएगा पानी। अब देखिए किस तरीके से जो मसाला है वो गाढ़ा होता है, और देखिए कितनी कम सोया थी लेकिन पकने के बाद कितनी डबल ट्रिपल हो जाती है। ये देखिए पक पक कर बढ़िया गाढ़ा हो गया, एक अच्छा इसके अंदर लबाब है, फ्लो है, एंड ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बना है। ना फिनिशिंग के लिए इसके अंदर हम डालेंगे ताज़ा धनिया, और अगर आपको इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है थोड़ा सा मक्खन भी आप डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल। ये तैयार है, अब हमें सिर्फ पाव को सेकना है। पाव तैयार है हमारे पास, और पाव को दो तरीके से आप सेक सकते हैं, एक तो प्लेन बटर के अंदर, दूसरा आप चाहें तो थोड़ा सा ये मसाला लगाकर मसाला पाव बना सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी, ये पाव, इसको यूं 1/2 काट लिया ऐसे, और ये तवे पर थोड़ा मक्खन और पाव उसके ऊपर अब सेक लेंगे, प्रेस इट जेंटली, और ये देखे बढ़िया पाव सेक कर तैयार। इससे ज़्यादा करारा मत करिए, पाव ड्राई हो जाती है, इसलिए दूसरी तरफ पकाया, इसको जी फोल्ड, इसको भी फोल्ड, और पाव हमारी तैयार। और अगर मसाला पाव तैयार करना है, थोड़ा सा ये कीमा लीजिए, इसमें जाएगा मक्खन, थोड़ा सा हरा धनिया, पिघलने दीजिए इसे, फैला लीजिए तवे पर, और इसके ऊपर जाएगा हमारा ये पाव, यूं बिल्कुल बढ़िया तरीके से तवे पर इसे पकाइए, मीडियम फ्लेम, थोड़ा सा करारा होगा, और ये तैयार, पाव हमारा रेडी है, सोया कीमा तैयार है, पाव तैयार है, लेट्स प्लेट दिस।
ब्रिलियंट जी, और हमारा सोया कीमा पाव, यम, डन।